मैं हूं डॉक्टर शब्बीर अहमद मलिक और आज का शॉर्ट वीडियो करियर काउंसलिंग एंड करियर गाइडेंस से रिलेटेड है, जो कि न्यू कमर अभी मेडिकल कॉलेज में आए हैं उनसे मुतालिक है। और जिन लोगों ने हमारे इस पहले वीडियो देखा हुआ है वो और नए कमर दोनों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज के वीडियो को ध्यान से देखें। पहले तो सबसे पहले मुबारकबाद उन सारे बच्चों को जो कि मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जिनका दाखिला हुआ है, और उन्हीं के लिए आज का सेशन है बहुत ही शॉर्ट, जिसके अंदर हम ये बताना चाहेंगे कि वो अपने फ्यूचर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को किस तरीके से ऑप्ट करें और अपने कैरियर को किस तरीके से चलाएं कि उसके अंदर उनकी कॉम्पिटेंसी एंड क्वालिफिकेशन ऑन टाइम हो और उस वक्त के एग्जिस्टिंग डिमांड के मुताबिक। तो दो बातों का बहुत ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि एक तो ये कि जब भी आप कैरियर चूज करना चाहें और तो उसके लिए सबसे पहले तो कि आपकी एग्जिस्टिंग जो कंडीशन है वो कितनी सस्टेन्ड है फाइनेंशियली और पर्सनल वाइज, और सेकंड ये कि 10 साल के बाद जो कि एक डिकेड के बाद जो फील्ड ऑफ चॉइस है उसकी क्या वैल्यू होगी और क्या उसके अंदर डिमांड होगा और क्या कुछ आप इन 10 सालों में हासिल कर चुके होंगे जो उस वक्त नए रिसर्च या नई चीज़ें आप देना चाहेंगे। तो सबसे पहले ये कि आप अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को इस तरीके से कैटेगराइज करें कि अगर आपको सर्जरी की ज़्यादा शौक है तो उसको सर्जिकल एनालाइट करके आप अपने जहन में रखिए। सर्जिकल एनालाइट का मतलब ये होता है कि सर्जिकल से रिलेटेड जितनी फील्ड हैं वो उसके एलाइट में आती हैं, मसलन ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, डर्मेटोलॉजी ये प्लास्टिक सर्जरी है, उसके साथ साथ आप उसके कार्डियोथोरेसिक सर्जरी है, सारी इंटरवेंशंस हैं, ये सारी सर्जिकल एंड एलाइट में आ जाते हैं। इसी तरीके से मेडिकल एंड एलाइट के अंदर जैसे जनरल मेडिसिन है, पीडियाट्रिक्स है, डर्मेटोलॉजी है और दूसरे फील्ड हैं। तो आप अपनी दो चीज़ों के मुताबिक कि कितनी सस्टेनेबिलिटी आपके अभी एग्जिस्टिंग कंडीशन में है फाइनेंशियली रेवेन्यू वाइज और पर्सनल आप कितना कुछ इसमें दे सकते हैं जिसमें कि टाइम हो, आपकी कितनी उसके अंदर नॉलेज है उस फील्ड से मुताले ताकि उसको और ग्रूम किया जा सकता हो। ये जो करियर काउंसलिंग से मुताल्लिक हमने दो बातें बताई आपको कि ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है, और उसके साथ साथ हम एक एग्जांपल देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई फील्ड चूज़ किया, मसलन के आपने ऑप्थल्मोलॉजी जो आई से रिलेटेड फील्ड है अगर किया तो उसमें फ़ायदा आपका ये होगा अर्ली सिलेक्शन ऑफ दी फ्यूचर फील्ड से कि आप जब भी रोटेशन में होंगे आप अपने फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में आपकी कंसंट्रेशन उस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि ये आपका फील्ड ऑफ सिलेक्शन भी है और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो उसके अंदर आप ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो जाएंगे और आपकी कॉम्पिटेंसी बहुत ज़्यादा माने रखती है जब आपके प्रोफेशनल कॉलेज में आप जब पास आउट होके आते हैं और फिर जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे होते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इस फील्ड को अर्ली सिलेक्शन नहीं करते हैं और थर्ड फोर्थ ईयर में आने के बाद आप सिलेक्ट करते हैं तो वो थर्ड ईयर तक की जो थी आपकी नॉन फोकस एक स्टडी रही, आप उस पर फोकस नहीं रहे, आपने जनरल सब्जेक्ट के ऊपर अपने आप को लगाए रखा। लेकिन अगर आप अर्ली सिलेक्शन कर लेते हैं तो उसमें कंटिन्यूटी सस्टेनेबिलिटी एंड आपकी जो इंटरेस्ट है और बढ़ती चली जाती है और उस फील्ड के अंदर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पा रहे होते हैं। काउंसलिंग से मुतालिक बहुत ही शॉर्ट इंफॉर्मेशन थी, लेकिन आप फ्यूचर में
जिन लोगों को कैरियर से मुतालिक, मेडिकल कैरियर से मुतालिक कोई क्योस हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, वो मेरे वेबसाइट के अंदर दिए गए फॉर्म के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करें और अपनी एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मुझे भेजें, सबमिट करें। तो जिस वक्त भी हम एक बड़ा सेशन कर रहे होंगे, हम उन्हें इनवाइट करेंगे और उसके अंदर आप डिटेल में मेरे करियर काउंसलिंग एंड करियर गाइडेंस से रिलेटेड सेशन देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।